फ्रेंड्स, मैं रामेश पाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान युग का। आज हम अंग्रेजी के लिए एक बेहतर चैनल है जो कि आपको लेकर आए हैं। आज हम कैन में शुड मस्ट और आर्ट का प्रयोग, कैन में शुड मस्ट और आर्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, एक एक जानकारी, एक विधिवत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको मस्ट कैन में शुड आर्ट टू का प्रयोग विधिवत मालूम हो सके, आप अंग्रेजी बोलने में इनका प्रयोग अच्छी तरह से कर सके। सबसे पहले आप देखते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग, कैन का अर्थ होता है सपना। कैन का क्या अर्थ होता है? सपना। कैन से शारीरिक शक्ति का बोध होता है, फिजिकल और मानसिक, और किसी कार्य क्षमता का बोध होता है, जैसे वह काम कर सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के अन्य शब्दों को प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, इसमें क्या करेंगे कि आई कैन डू दिस वर्क, क्या लिखेंगे? आई कैन डू दिस वर्क। अगला देखें, रितिका यह कविता याद कर सकती है, ये उसकी मानसिक क्षमता है, क्या कर सकती है? याद कर सकती है। इसका क्या प्रयोग करेंगे? रितिका कैन रिमेंबर, रितिका कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, रितिका कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। और हम लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल बात की जा रही है, आई कैन हेल्प यू। इसके बाद कैन के प्रयोग की कुछ उदाहरण आप देखें। इसके बाद आप देख सकते हैं मे का, मे का प्रयोग संभावना, मे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मे का भी अर्थ वही होता है जो कैन का अर्थ होता है, सपना। लेकिन मे का प्रयोग हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, क्या व्यक्त करने के लिए? संभावना को व्यक्त करने के लिए। और किसके लिए करते हैं? सरस्वती बता रहे हैं, आज वर्षा हो सकती है संभावना। इट में रेन टूडे, इट में रेन टूडे। पिताजी कल आ सकते हैं, पिताजी कल आ सकते हैं, क्या संभावना? फादर में कम उमर। इस वर्ष कोई भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकता है या पा सकता है, क्या हो सकता है? एन इंडियन में गेट द नोबेल प्राइज दिस ईयर। और मे का प्रयोग अनुमति के लिए किया जाता है, जैसे तुम जा सकते हो, क्या लिखेंगे? यू मे गो नाउ। आप यहाँ बैठ सकते हैं, क्या लिखेंगे? यू मे सिट हियर। अब लड़के घर जा सकते हैं, बैठ मे गो होम नाउ। आगे और भी मे का प्रयोग हम अनुरोध करने के लिए भी किया जाता है, जैसे मे आई कम इन सर, या क्या दया करके दरवाजा बंद कर देंगे? मे यू प्लीज शट द डोर, मे यू प्लीज शट द डोर। और मे का प्रयोग हम किसी की इच्छा, मतलब कि किसी के लिए कामना करने के लिए भी हम करते हैं मे का प्रयोग, जैसे कि ईश्वर तेरी मदद करे, क्या है? मे गॉड हेल्प यू। आप चिरंजीवी हो, आप लंबी उम्र की, मतलब मे ई लिव लॉन्ग, यू मे यू लिव लॉन्ग, वह बूढ़ा जल्दी मर जाए। मे दैट ओल्ड मैन डाय सून, इस तरह की हम कामना व्यक्त करते हैं तो हम जब भी मे का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सीधा शुड का प्रयोग। शुड का अर्थ चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग सलाह, कर्तव्य, ड्यूटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। कर्तव्य के अंतर्गत आप धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि का बोध होता है, उसमें इस तरह के कर्तव्य हो सकते हैं, जैसे छात्रों को परिश्रम करना चाहिए, क्या स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। आप कह सकते हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या कह सकते हैं? वी शुड हेल्प द पुअर, हमें सदा सत्य बोलनी चाहिए, क्या कहेंगे? वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। इस तरह से शुड के बाद हम अब आगे देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग अवश्य के लिए, चाहिए के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग कर्तव्य बाध्यता, कर्तव्य बाध्यता का बोध जोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब किसी को आप दबाव बना रहे हों, जैसे हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, जब आप दबाव बनाएं, वी मस्ट स्पीक ट्रुथ। रोगियों को समय पर दवा अवश्य देनी चाहिए, लेनी चाहिए, तो क्या होता है? पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए, क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन मस्ट प्ले, चिल्ड्रन मस्ट प्ले। इसके बाद है आर्ट।
आर्ट टू का प्रयोग कब करते हैं और किसके लिए करते हैं देखते हैं। आर्ट टू बीच आर्ट का आर्ट जो है चाहिए है, और इसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग मतलब टू लग करके प्रयोग किया जाता है। और ई बिल्कुल इसमें किसी तरह की बाध्यता नहीं होती, इसमें एक नैतिक कर्तव्य होता है, इसमें एक नैतिक कर्तव्य होता है। जैसे हम लोगों को उदार होना चाहिए, बी आर्ट टू बी जनरस, बी आर्ट टू बी जनरस। आप लोगों को गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए, यू आर्ट टू बी काइंड टू द पुअर, यू आर्ट टू बी काइंड टू द पुअर। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, बी आर्ट टू सर्व आवर कंट्री। तो मेरे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मुझे जो भी आप सलाह देना चाहें इस वीडियो के विषय में आप सलाह दें, आपका स्वागत है। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।